हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो अलग अलग और आसान तरीकों से डोरमेट बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हम कोई भी कपड़ा लेंगे, आप चुन्नी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने टी शर्ट का कपड़ा लिया है, तो इसमें से हम 3 इंच की चौड़ी पट्टी कट करेंगे लंबी। जितना भी लंबा कपड़ा है उतना लंबा इसमें से पट्टी कट कर लेंगे। ये 3 पट्टियाँ यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। अब तीनों को एक छोर से एक साथ रखेंगे और यहाँ पे सुई धागा से कच्चा टांका लगा देंगे। टांका ऐसा लगाएंगे कि बाद में हम इसको निकाल सकें। यहाँ पे मैंने कच्चा टांका लगा दिया है। अब इनको खींच देंगे स्ट्रिप्स को, ताकि ये राउंड हो जाए। इससे रस्सी बहुत ही अच्छी बनती है। अब यहाँ पे एक सीजर की सहायता ले रहे हैं, इसमें एक साइड से कपड़े को टांग देंगे और हम इसकी चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसको इस प्रकार से चोटी की तरह गूंथ लेंगे, इससे कपड़ा उलझता भी नहीं है और आसानी से चोटी बन जाती है। अब चोटी को भी थोड़ा सा खींच देंगे, इससे लंबी और डिजाइन भी अच्छा रहेगा। अब यहाँ से निकाल लेंगे। अब जो आगे कपड़ा छोटा रह गया है, उसमें सेम कलर का हम कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे और आगे चोटी बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरे तरीके से आप इसको पैर के अंगूठे में डाल के भी आसानी से बना सकते हैं। और अब हम इसको हाथ की सहायता से ही बनाएंगे। एक स्ट्रिप लेंगे, उसमें एक साइड में हम नॉट लगा लेंगे। नॉट को लूज रखेंगे ऊपर से, ताकि दूसरी बार इसमें से कपड़ा निकाल सकें। और जैसे मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा रही हूँ, इस प्रकार से आप कितना भी लंबी रस्सी आराम से बना लेंगे। इससे उलझेगा भी नहीं और रस्सी भी बहुत अच्छी बनती है। कपड़ा छोटा रह जाए तो उसमें आगे और जोड़ लेंगे। अब फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको चौकोन डोरमेट बनाना है तो आप इनको 12 से 15 इंच लंबी बना करके अलग अलग गूँथ लें और लास्ट में हम इसको सेपरेट करने के लिए एक छोर को इसके अंदर से निकाल करके खींच देंगे। इस प्रकार से बना लेंगे। ये मैंने दो आपको बना के बताई हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इस प्रकार से आप भी बना सकते हैं। अगर आपको राउंड डोरमेट बनाना है तो आप इसको लंबा बना लें। ये मैं राउंड बना रही हूँ, तो हमने लंबा रस्सी बना लिया है। अब इसका एक छोर लेंगे और उसको इस प्रकार से रखेंगे और एक हाथ से घुमाते रहेंगे, ताकि राउंड बनता रहे। और दूसरी छोर से हम रस्सी को सीधा करते रहेंगे। पूरा इसी प्रकार से इसको शेप देते रहेंगे। ये पूरा डोरमेट रेडी है। अब हम लेंगे एक सुई धागा। यहाँ पे मैं वूलन यूज़ करूँगी, क्योंकि ये मज़बूत रहता है। तो वूलन का डबल धागा हम ले लेंगे। इसमें एक साइड में नॉट लगाएंगे और बीच से सिलना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने डोरी बनाई हुई है, उसके बीच बीच में से इसको सिलते हुए बारी छोर तक ले आएंगे। और इसको ऐसे ही हम चारों तरफ से सिल लेंगे। थैंक्स फॉर